गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 32 एल्डोसेंस द एल्डोसेंस एंड प्यूबर्टी। द मोस्ट ऑब्वियस चेंज दैट टेक्स प्लेस वंस अ बेबी इज बॉर्न इन इट्स ग्रोथ। ग्रोथ बिगन फ्रॉम द डे बेबी इज बॉर्न। वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन आर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एल्डोसेंस एंड एडल्टहुड। फास्टेस्ट ग्रोथ ऑकर ड्यूरिंग इन्फेंसी। द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम द बर्थ टू अबाउट 2 ईयर एज इज कॉल्ड इन्फेंसी। दिस इज फॉलोड बाई चाइल्डहुड विच रिप्रेजेंट द एज ऑफ द 2 ईयर टू अबाउट 11 ईयर। देखिए, जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है, एक बेबी का बर्थ होता है, तो उसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। ग्रोथ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहला इन्फेंट, जब बच्चा अबाउट 2 ईयर्स का होता है, ठीक है, इन्फेंट। उसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद एल्डोसेंस एंड एल्डोसेंस के बाद एडल्ट। अब देखिए, सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ होती है जब बच्चा इन्फेंट होता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेंसी। द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 ईयर, बर्थ से 2 ईयर्स के बीच, बिटवीन द बर्थ टू 2 ईयर्स ऑफ द एज इज कॉल्ड इन्फेंसी। इसके बाद चाइल्डहुड शुरू होता है एंड चाइल्डहुड 2 से 11 ईयर्स तक होता है। 11 ईयर के बाद हमारी न्यू फेज आती है एल्डोसेंस। एल्डोसेंस बिगेन अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर एंड लास्ट अबाउट 18 एंड 19 ईयर। जो हमारी एल्डोसेंस होती है, स्टार्ट हो जाती है 11 ईयर से एंड एंड होती है 18 से 19 ईयर्स में। दिस स्टेज ऑफर बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये हमारी चाइल्डहुड और एडल्ट के सबसे बीच मिडिल में आती है। द बेबी अटेन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ड्यूरिंग एल्डोसेंस। एल्डोसेंस में बेबी अब रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। एल्डोसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर एज एल्डोसेंस पीरियड कवर द टीन पीरियड अबाउट 13 to 18। टीनेजर, एल्डोसेंस को टीनेजर पीरियड भी कहते हैं। ये पीरियड होता है 13 से 18 ईयर या 19 ईयर। ड्यूरिंग एल्डोसेंस द बेबी ग्रो रैपिडली एंड अंडरगोज सेवरल चेंजेस। द चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मार्क्स द टाइम व्हेन अ चाइल्ड बेबी सॉरी चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट टर्निंग इनटू द एडल्ट बॉडी। इट मार्क्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी एंड व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ द प्यूबर्टी बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। द एंड ऑफ एडोलेसेंस इज द बिगनिंग ऑफ एडल्टहुड। देखिए, प्यूबर्टी एज में क्या होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाती हैं और सेक्सुअल कैपेबिलिटी आ जाती है, मतलब सेक्सुअलिटी, सेक्स करने के लिए अभी वो पूरी तरह से कैपेबल है, तो उसमें सेक्स मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए वो बच्चा तैयार है। तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है, मैच्योरिटी आ जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है और उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। प्यूबर्टी एज में गर्ल्स और बॉयज दोनों के चेंजेस अलग अलग होते हैं। अब जस्ट एल्डोसेंस हमारा खत्म होता है, प्यूबर्टी एज खत्म होता है और एडल्ट एज आ जाती है। चेंज एज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हम अलग अलग सारे देखते हैं। बहुत ये मेंटली भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं और इमोशनली भी होते हैं। द चेंजेस एट प्यूबर्टी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन विच आर सिक्रीट बाय द बॉडी। जो ये चेंजेस आते हैं, ये हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं, ठीक, और जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, हमारी बॉडी की ग्लैंड्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होती है जिसके कारण ये चेंजेस आते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन इन्फ्लुएंस एल्डोसेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स। द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द बॉडी ग्रोथ। इन बॉयज द टेस्टिस प्रोड्यूस अ सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन मेक द बॉडी डेवलप मेन कैरेक्टरिस्टिक इन गर्ल्स। द ओवरी प्रोड्यूस अ सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन विच मेक द बॉडी डेवलप फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। सम ऑफ द चेंजेस विच ऑकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर एज फॉलोज। इंक्रीज इन हाइट, ड्यूरिंग प्यूबर्टी अ सडन इंक्रीज इन हाइट टेक प्लेस। दिस इंक्रीज इन हाइट इज ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स। देखिए, हमने बताया कि बहुत सारी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, तो अब इस एज में ग्रोथ हो रही होती है, तो सबसे ज़्यादा
मेन टाइप का हार्मोन्स क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा सेक्स की कैपेबिलिटी आ जाती है, तो सेक्स हार्मोन होता है। अब हमारे मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग हार्मोन आते हैं। मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में सेक्स हार्मोन ओवरी प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो मेल का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का हार्मोन है एस्ट्रोजन। मेल कैरेक्टर्स एस्ट्रोजेंस के कारण आते हैं और फीमेल कैरेक्टर एस्ट्रोजन के कारण आते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन के कारण और फीमेल में एस्ट्रोजन के कारण। मेल में जो मेल कैरेक्टर आते हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण और फीमेल में फीमेल कैरेक्टर एस्ट्रोजन के कारण। ये हार्मोन अगर सिक्रीट नहीं होंगे तो मेल में मेल कैरेक्टर नहीं आएंगे और फीमेल में फीमेल कैरेक्टर नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा हाइट में चेंज आता है, चेंज इंक्रीज इन हाइट। एडोलेसेंस के टाइम हाइट क्या होती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बोन्स, लॉन्ग बोन्स क्या होती है, इलोंगेट होती है, लंबी हो जाती हैं। आर्म्स लंबी हो जाती हैं, लेग्स लंबी हो जाती हैं, इनकी बोन्स क्या होती है, इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो इंक्रीज इन हाइट हो जाता है। सेकेंड आया, अब हाइट में भी अलग अलग चेंज आते हैं। अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रीच द मैक्सिमम हाइट। 18 तक बॉयज एंड गर्ल्स अपनी मैक्सिमम हाइट, जितनी लाइफ में मोस्टली हाइट बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ चुकी होती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट हाउ विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम मे ग्रो रैपिडली एट प्यूबर्टी देन स्लो डाउन, वेर इज अदर मे ग्रो ग्रेजुअली। यू मे हैव नोटिस दैट सम ऑफ योर फ्रेंड आर टॉल बॉय, अदर आर नॉट। वॉट डिटरमाइन द हाइट इन इंडिविजुअल। कुछ में हाइट क्या होती है, बहुत तेजी ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी में हाइट उतनी तेजी नहीं करती। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है हाइट। इसके लिए कई फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो फैक्टर क्या है हाइट में इंक्रीज करने के, फर्स्ट जीन्स। अगर उनके मदर, फादर, नाना नानी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर की हाइट बहुत कम है तो उनकी हाइट भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन इनहिबिट फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स के जीन इनहिबिट कर देते हैं हाइट को। तक क्यों? क्योंकि उनकी अगर हाइट छोटी है तो वो जीन छोटे हाइट वाला ही है, तो बच्चे की हाइट भी छोटी रह जाएगी। काइंड ऑफ फूड ईटन ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ में अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, न्यूट्रिशन फूड नहीं लेंगे, तो हाइट इंक्रीज नहीं होगी। चेंज द बॉडी शेप, बॉडी में शेप में अलग अलग चेंजेस आते हैं। ये बॉयज और गर्ल्स में अलग आते हैं। देखिए बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन बॉय शोल्डर बिकम ब्रॉडर एंड चेस्ट बिकम वाइडर। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। बॉयज की शोल्डर क्या हो जाती है, ब्रॉडर हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और चेस्ट वाइड हो जाता है। चेस्ट और हमारा शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। गर्ल्स में द रीजन बिलो द वेस्ट, वेस्ट के नीचे वाला रीजन वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। बॉडी मसल्स ग्रो, दोनों की बॉडी मसल्स ग्रो कर जाती है, लेकिन गर्ल्स में थोड़ा कम होता है, बॉयज में ज़्यादा हो जाता है। चेंज इन वॉइस, वॉइस बॉक्स में चेंज आ जाता है। कैसे? देखिए गर्ल्स का जो वॉइस बॉक्स होता है वो स्मॉल होता है, बॉयज का वॉइस बॉक्स क्या होता है, लार्ज होता है। द वॉइस बॉक्स इज बिगर इन द बॉयज देन इन गर्ल्स। इन बॉयज इट इज सीन एज द प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम एप्पल। इन गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बींग स्मॉलर इन साइज। बॉयज हैव अ डीप वॉइस विच इज सम केसेस बिकम हॉर्स, गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस। क्या होता है, बॉयज का जो वॉइस बॉक्स होता है वो लार्ज होता है, तो जैसे, और दूसरा वॉइस बॉक्स में जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है एडम एप्पल। तो जैसे ही वॉइस बॉक्स बढ़ता है तो क्या होता है, एडम एप्पल में प्रॉब्लम, क्योंकि जब वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो वॉइस बॉक्स बढ़ रहा होता है। इस समय बॉयज की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी हार्स हो जाती है, जबकि गर्ल्स का वॉइस बॉक्स छोटा होता है तो उनमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। उनकी जो वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है, और बॉयज की वॉइस क्या होती है, प्यूबर्टी एज में थोड़ी सी हार्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स लार्ज हो जाता है। इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्वेट एंड आयरन ग्लैंड का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण पिंपल्स, एक्ने वगैरह आ जाते हैं, चेहरे पर झाइयाँ, पिंपल्स, ठीक है, आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड और हमारी फेस में ऑयल ग्लैंड भी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगती है। तो इसके कारण चेहरे पे
पिंपल्स एंड एक्ने आ जाते हैं।